कुंडलियां, चंचल चारी, लीजे पाहुन, दौलत सुहावन अपावन, सहस गाहक, कोकिला पछिताए ठाऊ। गीत कविता के माध्यम से हृदय के उद्गार प्रकट करना अत्यंत ही प्राचीन किंतु सक्षम विधा है। इन कुंडलियों में नीति संबंधी ज्ञान को छंदों में पिरोया व अवधि भाषा में रचा गया है। नैतिकता, सामाजिक व्यवहार, जीवन मूल्य, मीठे वचनों का महत्व आदि सभी का सम्मिश्रण है ये कुंडलियां। दौलत पाए न कीजिए सपने हूँ अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाउ न रहत निदान, ठाउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे बचन सुनाए, विनय सभी की कीजे, कह गिरधर कवि राय, अरे यह सब घट तोलत, पाहुन निशि दिन चारी रहत सभी के दौलत। गुण के गाहक सहस नर बिनु गुण लहे न कोए, जैसे कागा कोकिला सबद सुने सब कोए, सबद सुने सब कोए, कोकिला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरधर कविराए सुनो हे ठाकुर मन के, बिनु गुण लहे न कोए, सहस नर गाहक गुण के, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगारे आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए, चित में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही ना भावे, कह गिरधर कविराए दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना बिचारे। कवि परिचय। गिरिधर कविराय 18वीं सदी के कवि थे। उनका मूल नाम हरिदास भाट था। कहा जाता है कि वे पंजाब के रहने वाले थे किंतु बाद में इलाहाबाद में बस गए। इनका समस्त काव्य कुंडलियों में ही है जिसकी भाषा अवधि और पंजाबी है। अधिकतर कुंडलियां नीति विषयक हैं। 500 से भी अधिक कुंडलियां गिरिधर कविराय ग्रंथावली में संकलित हैं। शब्द अर्थ हूँ मैं, गुण गुण, पाहुन मेहमान, गाहक लेने वाले, सुहावन अच्छा लगना, जस यश, सबद बोली शब्द, टरत न टारे टालने से भी नहीं टलता, ठाऊ पास, अपावन अपवित्र, सहस हजारों, चारी चार।